मेरे बच्चे मुझे पता है कि तुम मानसिक रूप से थक चुके हो इस वजह से उम्मीद खो रहे हो सारी सारी रात तुम्हें नींद नहीं आती लेकिन चिंता मत करो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए आपका पूरा ख्याल रखूँगा आज तेरी आँखों में आंसू हैं पर कल तेरी आँखों में खुशी होगी जब गुरु साथ हों तो किसी का बुरा नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति से मत डरो मेरे बच्चे मेरे बच्चे स्थिति पर रोना समाधान नहीं है रोने पर समय बर्बाद कर रहे हो और इसका परिणाम देरी होता है अगर खुद ना मिले किसी समस्या का समाधान तो भगवान से प्रार्थना करो भगवान के पास हर चीज़ का समाधान है अब रोना बंद करो और प्रार्थना करो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भगवान के सहयोग और आशीर्वाद से हो जाता है इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये हमेशा समाप्त होने के लिए होता है इसलिए चिंता मत करो मेरे बच्चे मेरा आशीर्वाद तुम सब लोगों के साथ है तुम अपनी सारी उम्मीदें मुझसे बनाए रखना और मैं आपकी उम्मीदों को कभी भी कम नहीं होने दूँगा भगवान देर से आए पर आते जरूर हैं जब वो आते हैं ना सब कुछ सुलझा देते हैं अगर तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी मैं आपको निर्देश देने के लिए विभिन्न रूपों का उपयोग करूंगा आपको मेरे रूपों और मार्गदर्शन को समझने की ज़रूरत है मुझे पता है कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मुझे ही क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन मेरे बच्चे ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं किस्मत में दुख लिखा है तो भोगना पड़ेगा ये सच है कि मैं तुम्हारे दुख कम करूँगा भरोसा भरोसा रखना उस मालिक पर जिसने तुम्हारी राह पर कांटे बिछाए हैं तो वो तुम्हें गोद में भी जरूर उठाएगा उन कांटों पर नहीं चलने देगा अब सोचा मेरे बच्चे मैं जाग रहा हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए योजना बना रहा हूँ मेरे बच्चे पर प्रतिदिन अच्छे कर्म करना अगर अच्छे कर्म करेगा ना तो ये अच्छे कर्म तुम्हारे भविष्य में तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएंगे खुश रहो मेरे बच्चों हमेशा खुश रहो और चिंता से मुक्त रहो मेरे बच्चों